क्या आप बता सकते हैं ये दोनों आंखों का मेकअप मुख्तलिफ पैलेट्स से किया गया है और जिसमें से एक पैलेट 12,000 का और 11 से 12,000 का और एक की कीमत जो है वो 1200 रुपये है। और कौन सी आंख पे कौन सा मेकअप है क्या आप बता सकते हैं कौन से पैलेट का है? नहीं ना, बस मैं यही आपके साथ आज शेयर करने लगी। पैलेट खोल के दिखाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाउ मैनी अनलिमिटेड टाइम्स दिस पैलेट हैज़ रिसीव्ड लव और विल डेफिनेटली कंटिन्यूज। और जो दूसरा पैलेट यूज़ किया है उसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। डेफिनेटली मोर्फी का पैलेट है तो इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छी और हाई क्लास क्वालिटी की है, लेकिन हम रिजल्ट सेम इन दोनों पैलेट से अचीव कर सकते हैं। दूसरा पैलेट मिस रोज़ का है और मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रही कि मिस रोज़ की क्वालिटी मोर्फी के इक्वल है, नो, लेकिन रिजल्ट हम इसका मोर्फी जैसा ले लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं ये वाली लुक क्रिएट, दोनों आईज़ पे बिल्कुल एक जैसी लुक ही है पर बिल्कुल मुख्तलिफ पैलेट्स के साथ। एक पैलेट है तकरीबन 11,000 से 12,000 की होती है और दूसरी है 1200 रुपये की जो कि मिस रोज़ पैलेट है। और जो महंगे वाली पैलेट है वो हमने मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट यूज़ की है। अच्छा, अब ये कैसे हमने क्रिएट की? सबसे पहले तो मैंने आईलेट्स को दोनों साइड्स पर प्राइम कर लिया है। कंसीलर यूज़ किया है मैंने इसमें ग्लैम गर्ल्स का शेड पोर्सलिन में, उसके बाद RCMA पाउडर है उसके साथ इसको सेट कर लिया है दोनों आईज़ को। मेरी लेफ्ट आई जो कि आपको राइट पे नज़र आ रही है वो उस पर हम करेंगे मॉर्फी का जैकलिन पैलेट यूज़ और दूसरे पे करेंगे हम मिस रोज़ पैलेट। दोनों आईज़ के लिए मैं सेम ब्रशेज़ यूज़ करूँगी और इसको क्लीन करने के लिए मैं ये वाला ब्रश चेंजर यूज़ करूँगी। इस आईब्रो के लिए मैंने मॉर्फी के ये तीन शेड्स यूज़ किए हैं और इन तीनों शेड्स की हेल्प से मैंने ये आईब्रोज़ किए। लाइटेस्ट शेड आपने बिल्कुल फ्रंट पे करना है और जो आर्च होती है वहाँ डार्केस्ट पार्ट होता है तो वहाँ पर आप डार्क शेड्स देंगे। उसके बाद मैंने लॉरियल के ब्रश स्टाइलिस से इसको फिक्स कर दिया। जो एंगल ब्रश मैंने राइट साइड पर यूज़ किया था वही लेफ्ट साइड पर यूज़ करूँगी, उसको मैंने क्लीन कर लिया है। मैंने मिस रोज़ की पैलेट से ये वाले तीन शेड लिए हैं, ये वाला ब्राउन है, फिर ये वाला डार्क ब्राउन है और फिर इसके में इसी पैलेट में एक ब्लैक कलर आ जाता है। इन तीनों शेड्स की हेल्प से मैंने ये वाली अपनी आईब्रोज की हैं। इस पैलेट में जो लाइटेस्ट ब्राउन है वो रेड टोन ब्राउन है तो वो आप थोड़ा कम यूज़ करेंगे और जो डार्क ब्राउन है वो कुछ ज़्यादा यूज़ होगा। और उसके बाद फिर मैंने लॉरियल की ब्रो स्टाइलिस से इसको फिक्स कर दिया है। मेरी ब्रोज हो चुकी हैं लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रोज में मैं ब्लैक कलर कम से कम यूज़ करती हूँ क्योंकि जेट ब्लैक ब्रोज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ आपको अपनी थोड़ी आई शेप बताना चाहूँगी कि मेरी आईज़ हुडेड आईज़ हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्किन मेरे आईज़ की लिड को कैसे कवर कर रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना मेकअप करना है कि आपकी आईज़ हुडेड हैं तो आप थोड़ी आपके पास लिड एरिया थोड़ा कम होता है जो विजिबल होता है तो आप थोड़ी सी ऊपर करके जो है अपनी क्रीज बनाते हैं। मॉर्फी के इस पैलेट से मैंने ये लाइटेस्ट शेड एक लिया है इस ब्रश पे, फ्लफ़ी ब्रश है ये, ब्लेंडिंग ब्रश है और इससे मैंने अपने क्रीज पे ये शेड दिया है। और यहाँ पे मैं तब तक ये शेड दूंगी जब तक कि मुझे अपना रिक्वायर्ड अपना रिजल्ट ना मिल जाए। यही ब्रश मैं दूसरी साइड पे भी यूज़ करूँगी, ये वाला ब्राउन लूँगी और इस ब्राउन को मैं इसी ब्रश सेम ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज पे ये शेड अप्लाई करूँगी। अच्छा, क्योंकि ये बहुत रेड टोन ब्राउन है जो यूज़ किया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन जो बिल्कुल स्किन से कलर का था येलो टोन के साथ है, येलो अंडरटोन है उसमें, तो मैंने वो दिया है ताकि वो थोड़ा सा क्लोज़ हो सके अपने दूसरे वाले शेड के साथ। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, अभी बिल्कुल भी सेम नहीं हुआ लेकिन बहरहाल हम इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आगे जाके इसको अचीव कर लेंगे। अब मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश में मॉर्फी जैकलिन हिल पैलेट से ये वाला शेड और अपने आउटर वी से मैंने स्टार्ट किया विंडशील्ड मोशन के साथ मैंने अपने आईज़ पे इसको अप्लाई किया और फिर सेम शेड मैंने फ्लैट शेडर ब्रश से मैंने यहाँ पे इसको पैक किया है शेड को और फिर इसके एजेस को ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है। ये जो फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं यूजुअली ज़्यादातर इससे हम यूज़ करते हैं अपने शेड्स को पैक करने के लिए, स्टैक अप करने के लिए। जैकलिन हिल पैलेट से अब हम ये वाले दोनों शेड्स लेंगे। दोनों शेड्स बहुत डिफरेंट हैं, एक रस्टी ब्राउन है और एक मैरूनिश ब्राउन है और इन दोनों को मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वी पे करूँगी और इसका अपना शेड जितना मुझे इंटेंस चाहिए वो करके, तो मैंने अपने जितने मेरे आईज़ पे ये वाले ब्रशेज यूज़ हुए हैं उसको ब्रश चेंजर से मैंने नीट क्लीन कर लिया और अब मैं दूसरी आई पर मूव कर जाऊँगी और ये दोनों शेड्स मैं भी लूँगी अपने इस ब्रश पे और इसको अब मैंने पैक करना है, स्टैक करना है। मिस रोज़ के पैलेट्स में जो एक दिक्कत लगती है या चैलेंज लगता है वो एक यही है कि कलर पे ऑफ में, मतलब कलर बिल्डअप करने में इसमें टाइम लगता है, दैट्स इट। और उसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुझे चैलेंज नज़र नहीं आया। ये वाले शेड्स मैंने सारे रेड्स लिए, ऑरेंजेस लिए और एक ये वाला ब्राउन लिया और इसको मैंने आउटर वी पे लगाया है क्योंकि मैंने इसको उस शेड के साथ मिलाना है वो जो मैंने मॉर्फी के पैलेट से जो मैंने आउटर वी पे शेड्स दिए हैं इनके साथ,
तो उनके साथ मिलाने के लिए मैंने सारे शेड्स लिए और देखिए मैंने अब ले लिया है शिमर शेड। इधर शिमर शेड लगाती है ना, तो लगाया क्योंकि फिंगर की हेल्प से इंटेंस शेड आता है। और फिर ये ब्लेंडिंग ब्रश से लेके मैंने इसके एजेस को ब्लेंड कर लिया, डिफ्यूज़ कर लिया, ताकि वो ये महसूस हो कि ये शेड इसके अंदर से ही निकल के आ रहा है, कुछ अलहदा से ऊपर रखा हुआ महसूस ना हो। ये जब तक आप इसको, आपको लगता है आप इसको करेंगे इसके एजेस को ब्लेंड, और आपको करते करते जब आपको लगे कि आपका उड़ गया है शेड, तो आपने वापस शिमर शेड लगा देना है, क्योंकि ब्लेंडिंग करते हुए टाइम्स चाहे मैट हो या शिमर शेड उड़ जाते हैं, तो आप उसको वापस फिर लगाते हैं। और इसमें से भी मिस रोज में से भी मैंने ये वाला शेड लगाया है अपने आईज़ पे फिंगर की हेल्प से, और इसके एजेस को ब्रश की हेल्प से मैं करती जा रही हूँ ब्लेंड, और फिर मैं अप्लाई भी करती जा रही हूँ वापस शिमर शेड जब मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पर कम हो गया, फिर मैं उसको इंटेंस करने के लिए वापस लगा देती हूँ। और तब तक हम ये काम करेंगे जब तक हमें अपना रिजल्ट ना मिल जाए, अपने एजेस नीट एंड क्लीन डिफ्यूज़ ना लग जाएँ, और ऐसा ना लगे कि जब तक हमें ये शिमर शेड ये अलहदा से नहीं रखा हुआ बल्कि ये अंदर से ही निकल के ये आ रहा है। इसके बाद मैंने अपने अंडर आइज़ पे मैंने लगा लिया है पीच कंसीलर, फिंगर की हेल्प से मैंने वो ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इस पे लगा लेना है टार्ट का कंसीलर, मैंने शेड यूज़ करती हूँ लाइट, और ये भी मैंने फिंगर की हेल्प से लगा लेना, ब्लेंड कर लेना है। मैंने इसमें कोई भी स्पॉन्ज कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये पाउडर मैंने जो लगाया है उसके लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है। ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी जो क्रीस ना करे ये कंसीलर जो हमने अंडर आइज़ पे लगाया है, और लाइन्स में सेटल ना हो। अब ये वाला शेड मैंने ले लिया है मॉर्फी के पैलेट से, और मैंने ये दिया है लोअर लैश लाइन पर, और उस ब्रश से मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने ब्रश चेंज कर लिया है और ये वाला ब्रश मैंने यूज़ किया है सेम शेड में दे रही हूँ। जब मुझे लगा कि ये शेड यहाँ पे एनफ है, तो मैं अपनी दूसरी आँख पे मिस रोज़ वाली आईज़ पे मूव होगी, ब्रश को क्लीन किया, और फिर मैंने पैलेट से शेड्स लिए, ये वाले दोनों शेड्स लिए हैं, और इसको अपने लोअर लैश लाइन पे दिया। ये शेड्स आइडेंटिकल तो नहीं है, हमें ये शेड बनाने पड़ते हैं एक दूसरे से मैच करने के लिए, मैंने इसमें से दो शेड लिए हैं और लोअर लैश लाइन के लिए, और फिर भी सेम नहीं है। अब आप ये देखें कि मैं ये थोड़ा सा ये वाला ब्राउन जो है मैंने इस पर ऐड किया इस वाली लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे, इस दूसरी आई की, इसको उस वाले अपने मिस रोज़ के पैलेट वाले शेड से मैच करने के लिए, मिक्स एंड मैच करने के करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता सेम होते जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है। रोज़ के पैलेट में जो दो कॉन्स मेन जो मुझे नज़र आते हैं, उनमें से पहला ये है कि इसका कलर पे ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मैट्स का, उसको बिल्ट अप करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। दोनों पैलेट्स का अगर देखें तो प्राइस कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़्यादा है। मिस रोज़ सिर्फ 1200 रुपये की है, और ये जो है मॉर्फी की पैलेट है दैट इज़ $39 ऑन देयर वेबसाइट। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें कन्वर्ट करेंटली जो डॉलर रेट है उस हिसाब से 11-12 हज़ार के करीब बढ़ जाती है ये। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स पे ये दे दिया है अब वाइट कलर का मैट दिया, लेकिन मैट इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रहा, मैंने यहाँ पे इसको फिर वापस जो है वो शिमर शेड ही दिया है ये। और ब्रश देखे, पहले मैंने दूसरा ब्रश यूज़ करी थी, वो थोड़ा बड़ा ब्रश था, उससे बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं आ रहा था, शिमर का नहीं आ रहा था, तो मैंने ब्रश चेंज कर लिया और छोटा ब्रश ले लिया। आप दोनों ब्रशेज़ के साइज़ देखें कि दोनों ब्रशेज़ साइज़ में कितना डिफरेंस है साइज़ में, तो जो छोटा ब्रश है ये वाला, इससे जो है शिमर शेड अच्छा लग जाता है और ये इंटेंस शेड आ जाता है मेरे इनर कॉर्नर्स पे भी और ब्रोबोन में भी। फिर भी मैं इसको इंटेंस करने के लिए समटाइम्स जो है वो फिंगर यूज़ करती हूँ, और प्रिसीजन जहाँ मुझे चाहिए मैं वहाँ ब्रश यूज़ कर लेती हूँ ये वाला। हम कर रहे हैं अपने आईलैशेज़ के लिए मैं रिमल का ये वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। इसके अंदर दो वॉन्ड्स हैं, एक वॉन्ड लेंथनिंग के लिए है अगर आप अपनी आईलैशेज़ को लंबा दिखाना चाहते हैं, दूसरा वॉल्यूम के लिए अगर आप घना दिखाना चाहते हैं, और मैं इसमें इस वक्त लेंथनिंग वाला वॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, और ये मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा मस्कारा है ये। लैशेज़ पर अच्छे से मस्कारा अभी अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर फेक लैशेज़ को लगाने के बाद दोबारा फिर से ये वाला मस्कारा अप्लाई करेंगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट या कौन जो है मिस रोज़ का जो मुझे लगता है पैलेट का, वो ये है कि इसके में पैलेट में खुशबू है, फ्रेगरेंस फ्री नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आई लैशेज लगानी है, मैंने एक ही लैश ली है जो मैंने दोनों साइड पर लगाई है, उसको हाफ कर लेना है मैंने, और आईज़ के आउटर साइड पे मैंने लगाया, ये पूरी आई लैशेज़ पर नहीं लगाई यहाँ पे। तो ये आपके सामने है आई लैशेज मैंने जो लगाई हैं काट के छोटी करके, एक ही सिर्फ पेयर में से सिर्फ एक मैंने आई लैश ली है और वो मैंने अप्लाई किया। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी टेक्निक है, आपने अगर जो है
आईलैशेस का इफेक्ट भी देना चाहते हैं और आपको लगता है कि आईलैशेस लगाना मुश्किल है, तो ये लगाना बहुत आसान है। तो क्योंकि सिर्फ ये आउटर साइड पे लगती हैं तो ये इट्स टू मच ईजी। अपने इस लुक में मैंने आईलाइनर को स्किप किया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैंने इसको इस लुक को जो किया है वो बिगिनर्स को जहन में रख के किया। आप यही टेक्निक यूज़ करके देखें और बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और ये है हमारी ओवरऑल लुक, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। ये है हमारी दोनों साइड का मेकअप। इस लुक में जो आफत थी वो कलर्स को मैच करने की आफत थी। दोनों टोटली डिफरेंट पैलेट्स हैं और मिलते जुलते जो मुझे शेड्स लग रहे थे मैंने वो यूज़ किए और जो शेड्स मुझे बनाने पड़े, जैसे आउटर वी के लिए मैंने यहाँ पे मॉर्फी के दो जो शेड्स यूज़ किए थे, अब सेम शेड्स तो बिल्कुल भी नहीं थे मिस रोज़ के पैलेट में, तो उसके लिए मैंने फिर वो रेड्स सारे मिक्स करके और फिर एक ब्राउन यूज़ करके तो वो मैंने बनाया। तो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया मुझे ये मेकअप करके, मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। और आप बताएं आपको ये मेकअप कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।